नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने मुंगेर मुख्यालय के मुंगेर स्टेशन से बैलगाड़ी और महिलाओं ने गले में हरी सब्जी का माला पहनकर विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ता शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए शहीद चौक तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस में शामिल मुंगेर विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव ने कहा कि आज पूरे देश में सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, महंगाई चरम पर है और सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल है। खाद्य सामग्री से लेकर दवा, कपड़े, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार इस महंगाई को रोक पाने में विफल है। उन्होंने कहा कि आज देश से 2000 का नोट गायब हो गया। आखिर यह नोट कहाँ गया? यह इशारा करता है कि एक बार फिर से अडानी और अंबानी की सरकार बनने वाली है। आज देश पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं, एक बार फिर से चुनाव करवा दें, तब सभी की औकात समझ में आ जाएगी। जनता ने इन्हें मौका नहीं दिया, फिर भी जबरन सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेईमानों की सरकार है, चुनाव में भी ये लोग बेईमानी करते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई रोक पाने में विफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभिलंब इस्तीफा दें। ये हम ये कार्यक्रम जो है, ये आज जो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आम लोगों के लिए कर रहे हैं। आम लोगों का पूरा साथ हम लोगों के साथ है और आम लोग चाहता कि आज हम लोग गैस सिलेंडर लेकर के कंधा पे चल रहे हैं कि जो सिलेंडर 300 रुपये में मिलता था जिस समय, उस समय बीजेपी की नेत्री जो है चूरी और सिंदूर भेजने का काम करती थी प्रधानमंत्री को, और आज उसी के राज में यही गैस सिलेंडर जो है 900 का पार हो चुका है, पेट्रोल जो है 100 के पार है। किस तरह की व्यवस्था से हर चीज की महंगाई जो है बढ़ चुकी है, और उसको लेकर के सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यदि वो नहीं मानेगी तो इसके बाद सड़क से लेकर सदन तक उनको खदेड़ने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? अविनाश कुमार विद्यार्थी, मुकेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी रहे यहाँ से। रसोई गैस और सरसों तेल और अन्य चीजों का दाम बेतहाशा बढ़ा जा रहा है प्रतिदिन, उस पर लेकर हम जनहित में विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके विरोध से सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ पूरा जनता चल रहा है यहाँ पे, ये जनता के हित में लड़ रहे हैं हम, उन्हें मानना ही पड़ेगा। लगातार जनता भी विरोध कर रही है लेकिन सरकार इस बात का अनदेखा कर रही है। सरकार को हम झुकाएंगे, हमारे प्रदर्शन से हम सरकार को मानने पर मजबूर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या प्रकाश। क्या है आप? मैं राजद नेत्री।